नमस्ते। मेरे ये वीडियो थ्रू मैं आप लोगों को बैगेज और एयर टिकट के बारे में कुछ बताना चाहता है। रिसेंटली मैं दमाम से कतर होते हुए केरला आने के वक्त एजेंसी थ्रू टिकट लिया था कतर एयरवेज में। बिजनेस क्लास में सिर्फ 40 kg ही ला सकता है, सिर्फ 40 kg। ध्यान रखना उसे ज़्यादा नहीं लेकर आना, लेकर आने से एक्सेस वेट को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। मेरे पास 12 kg ज़्यादा होने की वजह से मैं तकरीबन 1127 पे किया है। आप सोचो तकरीबन 22,000 रुपया। अगर नॉर्मल कोई आदमी होगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ता है। ध्यान रखना यही चीज इकोनॉमी में सिर्फ 30 kg है, सिर्फ 30 kg, उसे ज्यादा नहीं लाना। ज्यादा लेगा तो तकरीबन 1 kg को 100 रियाल, मतलब 1200-1300 रियाल, 1900-2000 का आसपास में पैसा देना पड़ता है, पेनाल्टी देना पड़ता है। ध्यान रखना। दूसरा एक चीज ध्यान रखना कि अभी आते ही ट्रॉली लेने के लिए 3 रियाल खुला रखना चेंज। आप वेंडिंग मशीन के अंदर डाल करके रिसीप्ट लेने के बाद आप ट्रॉली ले सकता है, पहले जैसा नहीं है। तो इसलिए 3 रियाल छुट्टा रखना है, वो बहुत जरूरी है ताकि आप सेव कर सकता है। आप ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पक्का ध्यान रखना। अगेन मैं बताता हूं आपको, इकोनॉमी में सिर्फ 30 kg है, बिजनेस क्लास में सिर्फ 40 kg है, फर्स्ट क्लास में 50 kg। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हैंड बैग सिर्फ 7 kg ही ला सकता है। अभी आप कस्टम्स में एंटर होने से पहले एक वेइंग मशीन रखा है, उधर कस्टम्स का आदमी खड़ा है, 7 kg से ऊपर है तो इमीडिएटली आपको सामान उसी में से निकाल करके डब्बे के अंदर डालना पड़ता है। आपका काफी कीमती चीज उसके अंदर डालना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखो सिर्फ 7 kg, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं रखना है। ये मत रखना है कि आपको तो पता ही है, चंद्रा साहब तो आपको बताता है तो सारा आप हमारा ही आदमी सोच करके बताता है, ये पक्का दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है ना। दूसरा, डोंट कैरी एनी टाइप ऑफ यू नो लगेजेस, लाइक मींस सीसर, रेसर ब्लेड्स, बॉक्स कटर एंड ड्राई सेल बैटरीज। नाउ डेज यू नो दे आर सर्चिंग इन सच ए वे दैट यू कांट फर्दर ट्रैवल। आप ये कोई चीज रखना नहीं, मैं आपको ये बताता हूं, ये इसलिए बताना चाहता हूं कि सिर्फ 20 दिन पहले ही ये बात हुआ है, ठीक है ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा आप लोग इकोनॉमी क्लास में आने के वक्त जितना बताया हुआ चीज के मुताबिक करना है और 3 रियाल खुला रखना है। ये बहुत अच्छा लर्निंग है। थैंक यू।